टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। नमस्कार, मैं हूं शुभम शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। कई राज्य की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका मिर्ची गैंग का सरगना आशु जाट आखिरकार मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। आशु जाट सिर्फ गैंग का सरगना ही नहीं बल्कि 2.5 लाख का इनामी भी है। हम आपको बताते हैं कि आखिर आशु ने अपराध की दुनिया में कब कदम रखा और आखिर आशु जरायम की दुनिया का इतना बड़ा नाम कैसे बन गया। हापुड़ से हमारे संवाददाता नदीम नकवी की ये खास रिपोर्ट देखिए। मिर्ची गैंग का आतंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है। ये गैंग मेरठ, गाजियाबाद, बागपत समेत कई जिलों में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है, मगर शायद ही बहुत कम लोग जानते हों कि आखिर एक फल विक्रेता जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बन गया। मिली जानकारी के अनुसार आशु से पहले मिर्ची गैंग का सरगना आशु का भाई भोलू जाट था। उस वक्त तक आशु फल बेचने का व्यवसाय करता था, मगर भोलू के जेल जाने के बाद आशु ने गैंग की कमान संभाल ली। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मिर्ची गैंग में करीब 80 सदस्य सक्रिय हैं और ये गैंग लूट, हत्या तथा छिनैती की वारदात को अंजाम देता है। जरायम की दुनिया में आशु जाट का नाम इतनी तेजी से ऊपर आया कि ना सिर्फ लोग उस नाम से कांपने लगे बल्कि दिल्ली NCR समेत आसपास के जनपदों की पुलिस के लिए भी आशु जाट सिरदर्द बन गया। मिर्ची गैंग चलाने वाले आशु जाट के खिलाफ पहला बड़ा आपराधिक मामला साल 2009 में दर्ज हुआ था और तब से लेकर अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आशु पर कुल 19 संगीन मामले दर्ज हैं। मुंबई पुलिस के अनुसार इस गैंगस्टर ने संगीन मामले में सबसे ज्यादा आपराधिक वारदातों को उत्तर प्रदेश के ही हापुड़ में अंजाम दिया है। यहां ये भी काबिले गौर है कि ग्रेटर नोएडा के बहुचर्चित गौरव चंडेल मर्डर केस में आशु जाट की पत्नी पूनम और आशु के साथी उमेश की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रयास के बाद हापुड़ पुलिस की टीम ने मुंबई से 5 तारीख को गिरफ्तार किया है। इसका आपराधिक इतिहास आप लोगों के सामने रखा गया है। लगभग 55 मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ। सभी गंभीर घटनाओं में मुकदमे दर्ज हैं। ये इसका आपराधिक इतिहास शुरू होता है 2008 से, जब इसने पहली हत्या की थी गाजियाबाद नोएडा में। तब से ये और इसके बड़ा भाई मिर्ची गैंग के नाम से सक्रिय थे। ये मिर्ची गैंग इसलिए कहलाता था क्योंकि ये लोग लूट करने के वक्त अपने जो भी शिकार है उसकी आंखों में मिर्च झोंक देते थे। तब से ये दुर्दांत बनता चला गया। ये गैंग और भी लोगों को, नए नए लोगों को जोड़ता है, नए नए लोगों को जोड़ के उनसे अपराध करने में शामिल होते हैं ये लोग। इसका बड़ा भाई भी भोलू जाट, वो भी 45 लगभग मुकदमे, उस पर सनसनीखेज मुकदमे हैं जिसमें वो अभी डासना जेल में बंद है। आशु जाट कई घटनाएं करने के बाद 2013 में निरुद्ध हुआ जेल में लंबे समय के लिए। फिर 2019 में वो रिहा हुआ है जेल से और उसके बाद भी इसने लगभग 6-7 लूट की और 3-4 हत्याएं, इन सब घटनाओं को अंजाम दिया है। इसमें जो हमारे जनपद में है, इस लगभग 50 मुकदमों में से लगभग 20 से 22 मुकदमे जनपद हापुड़ के हैं जो इसने घटित किए हैं। और जो दूसरा जनपद इसमें सबसे ज़्यादा घटनाएं इसने की है वो है जनपद गाजियाबाद। इसके अलावा उसने मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, सभी जगह मुजफ्फरनगर, इन सब जगहों पे भी घटनाएं की कर रखी हैं। इन सभी बहुत सारे जनपदों में, 6 जनपदों से लगभग ये अभी वांछित चल रहा था। और पिछले 1.5 साल से पुलिस बहुत ही, सभी जगह की पुलिस, पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस और भी जनपदों की पुलिस इसमें लगी हुई थी।
अथक प्रयास के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। एक बहुत ही सफल ऑपरेशन किया गया मुंबई में जाकर के। बता दें कि कुछ ही महीने पहले हापुड़ पुलिस ने 26 जनवरी 2020 को दिल्ली से इन दोनों को गिरफ्तार किया था, लेकिन आशु जाट उस वक्त भी पुलिस की गिरफ्त से फरार था। आशु जाट ने 6 जनवरी 2020 की रात गौरव चंडेल की हत्या कर उनकी गाड़ी, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान लूट लिए थे। इसके अलावा आशु पर भाजपा नेता चंद्रपाल और राकेश शर्मा की हत्या का भी आरोप है। फिलहाल हापुड़ पुलिस के इनपुट पर मुंबई पुलिस ने शनिवार को मुंबई के वीले पार्ले इलाके से 2.5 लाख के इनामी कुख्यात बदमाश आशु को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हापुड़ पुलिस कुख्यात बदमाश को अपने साथ हापुड़ ले आई। आसपास के जनपदों के अलावा कई राज्यों में भी आशु पर लूट, हत्या और डकैती जैसे 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस ने अब कुख्यात आशु जाट को सलाखों के पीछे भेज दिया है। ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी खबरों को देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी खबरें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।